हेलो गाइस, स्वागत है आपका एवरी सॉल्यूशन हिंदी में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप दो फोटो को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो। जैसे ही गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर गाइस आप भी अपने फ़ोटो को इस तरीके से जोड़ना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको ये काम करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत ही छोटा सा है और इसे कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और गाइस यहाँ ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको दो फोटो को एक साथ जोड़ने के लिए क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोलैग। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको इसे अलाउ करना है। यहाँ पर आपको अलाउ कर देने के बाद फिर से कोलैग पर क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपके फ़ोन की जो गैलरी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर गाइस आप जिस फोटो को भी ऐड करना चाहते हो, यानी कि एक साथ जोड़ना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पर आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं। जैसे गाइस यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर गाइस मैं एक फ़ोटो और ले लेता हूँ। तो गाइस आप जितना फ़ोटो चाहो उतना फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हो। गाइस यहाँ पर आप मैक्सिमम 20 फ़ोटो को एक साथ जोड़ सकते हो, आपको यहाँ पर 20 फ़ोटो की भी क्षमता मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने दो फ़ोटो ले लिए हैं फिलहाल, तो जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ऊपर। तो फिर इसके बाद गाइस आप देखोगे आपके जो फ़ोटो हैं वो इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाएंगे। अगर गाइस आप चाहो तो यहाँ से आप इसका साइज भी इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हो, अगर आपके फ़ोटो का साइज कम है तो यहाँ पर जैसे कि आप इसे इस तरह से कर सकते हो। गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। अगर गाइस आप चाहो तो यहाँ पर आप फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आप यहाँ पर कोई बढ़िया सा फ्रेम भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और गाइस ये करने के बाद यहाँ पर आपको इसे राइट कर देना है और गाइस राइट कर देने के बाद अब यहाँ पर आपके जो फ़ोटो है ये ऐड हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको इसको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपको जो फ़ोटो है ये आपका सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपनी मोबाइल की गैलरी में। तो यहाँ पर गाइस मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ और एल्बम में चला जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये हमारा फ़ोटो सेव हो गया है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ उस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, उसका नाम क्या है। तो गाइस आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोलैग मेकर इस तरह से टाइप करना है और यहाँ पर आ जाने के बाद गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, कोलैग मेकर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में।